स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया दा। हुण जनवरी इनटेक वास्ते अप्लाई किया जाए या मई, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के विच सवाल पूछ रहे हैं। सवाल दो तरीके का मैं समझदा कि अप्लाई किया जाए या ना किया जाए, तो दूसरा यह भी है कि जनवरी च अप्लाई हुण पॉसीबल भी है करना या नहीं। सो दोनों गल्लां नूं डिटेल च समझांगे। शो नूं एंड तक जरूर देखो, टू द पॉइंट छोटा जिहा शो है, तो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलो। सब तो पहला स्वागत करते हैं साढ़े अज के गैसट ब्रॉडवे इमीग्रेसन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी, स्वागत है जी। थैंक यू जी। सो जगप्रीत जी, कमेंट्स मैं पढ़े, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। पहला मैं हैरानी भी हुई भी जनवरी इनटेक च अप्लाई करना, बट स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैं जनवरी इनटेक च अप्लाई करदा ना करा, तुसी की कहोगे? देखो दीपक जी, मैं भी सोशल मीडिया के नाल चैनल्स के नाल बहुत कनैक्टेड रहना है। मेरे लाइफ च भी बहुत सारे स्टूडेंट डेली बेसिस से कनैक्ट होंगे ने। उहदे च क्वेश्चन बड़ा आता है कि जनवरी इनटेक लई असीं अप्लाई हुण कर दईए। इहदे च ना दीपक जी, तुसीं भी अगर स्पैशली देखिया होगा, अगर उस चीज़ नूं प्रसाइसली, तो इहदे विच ज़्यादातर स्टूडेंट वह डिमांड कर रहे हैं जिहड़े रीअप्लाई कर रहे हैं, जिन्हां दीआं रिफ्यूजल्स जस्ट नवंबर के स्टार्ट के आईया ने, वह स्टूडेंट्स ज़्यादातर डिमांड। मैं देखिया जी 80% वह ने, थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है, पर 20% मैनू देखने ऑब्जरवेशन च आया कि नवे स्टूडेंट भी ने जिन्हों का हने हने फाइल तैयार हुई है, ईगरनैस होंगी है कि यार हूँ मैं लगा दा। बिल्कुल जी। सो ईधर वो स्टूडेंट फ्रैश अपलाई कर रहा है या स्टूडेंट रीअप्लाई कर रहा है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स कहूँगा कि एट प्रेजेंट नवंबर तक खत्म हो चुका है, ठीक है, दिसंबर मंथ के आ चुके हैं। सो प्रेजेंटली आई डोंट थिंक कि यह एक रीजनेबल पॉइंट है या एक टाइम ऑप्टीमम हैगा जिहदे लई तुसीं जनवरी इनटेक लई फाइल लॉन्च करो, क्योंकि हाल की घड़ी तो बहुत सारिया एप्लीकेशन अक्टूबर दियाँ पेंडिंग ने, नवंबर दियाँ पेंडिंग ने, तो दिसंबर के लॉन्च हुई फाइल का हूँ तो ईवन इंस्टीट्यूशन डेडलाइन दे रहे हैं। सो फस्ट ऑफ ऑल जिन्हें ऑफर लैटर ले लिया, फीस ट्रांसफर करती है, एल ओ ए आ गया, जी आई सी हो गया, मैडिकल हो गया, वो पहला अपने इंस्टीट्यूशन यही चैक कर लवे भी वो रिजल्ट अपडेट कर जनवरी की टाइमिंग की है, क्योंकि दीपक जी इस चीज़ ना भी बहुत सारे स्टूडेंट वाकिफ नहीं है। वो सोचते हैं भी अपने को सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, हम फाइल लॉन्च कर दी है, बट तुम देखो बहुत सारे कॉलेजेस ने 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर दी डेडलाइनस दी हुई हैं जनवरी इनटेक दे रिजल्ट दे स्टेटस नूं अपडेट करन दी। पर मैं एक चीज़ पूछनी चाहूँगा जगप्रीत जी, बहुत सारे एजेंट मैं ए लग रहा फाइल जनवरी की लगवा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं जी। हुण उहदे विच देखो ना, तुसी किन्ना क अवेयर हो प्रोसैस दे नाल, बहुत सारी जगह पर मैं देखदा जी, तुसी भी दीपक जी देखते होवोगे, प्रोग्राम भी तो नॉन रेलेवेंट रहे होंगे ने, अज भी फाइल 2:30 ते लग रही ने। इस पर्टिकुलर गल ते दसो तुसी इहनू सियाणी गल मनदे हो? देखो एजेंट्स लवा रहे आ फाइल। देखो मैं कल्ला अपलाई करन दे हक च ते मैं कदी भी नहीं रहा दीपक जी, मेरे कोल स्टूडेंट होवे भी, चाहे उहदे च मेरे को 2-3 महीने का स्पेस भी होवे, अगर मैनू लग रहा भी इहदी इंप्रूवमेंट नहीं हैगी इहदे फाइल दी डिवेलपमेंट, मैं उहदा डैफर करा दिंदा हुंदा इनटेक, राइट। सो इह कोई सियाणप वाली गल नहीं हैगी कि दिसंबर च चलो एक एजेंट आ ਕੋਲ ਫਾਈਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਲੇ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਐਲ ਓ ਏ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੌਂਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਮੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਨਵਰੀ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ, 20 ਜਨਵਰੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ, 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਸੀਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੇ ਹਾਲੇ ਲੌਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲ ਓ ਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਸਿਨਾਰੀਓ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। स्टडी वीजा के मुद्दे पर मैं बनागा थोड़ी आवाज़, कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल, तो मिलेंगे थोड़े सवालों के जवाब।